तो अभी हम लोग कर रहे थे मोल कंसेप्ट के पीवाई के, उस मतलब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के, तो उसके ही पीवाई के कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन द रिएक्शन NH3 5O2 4NO2 4NO एंड दिस, व्हेन वन मोल ऑफ अमोनिया एंड वन मोल ऑफ O2 आर मेड टू रिएक्ट टू कंप्लीशन, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। देखो इन लोगों ने क्या बोला है, 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2O, इधर रिएक्शन लिखा हुआ है, फिर भी मैं वापस लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा हैंडराइटिंग समझता है, सबको अपना हैंडराइटिंग समझता है, ओके। और आप ये एक कंपल्शन है कि आप देख के बराबर देख के लिखो, ओके, एक भी नंबर इधर उधर गड़बड़ मत करो। तो उसका 4 moles रिएक्ट विद 5 moles टू गिव 4 moles एंड 6 moles। तो इन लोग ने क्या बोला है, अगर हम लोग ने 1 mole, ये गिवन वाला इधर लिख देता हूँ मैं, अगर 1 mole ऑफ अमोनिया लिया और 1 mole ऑफ O2 लिया तो क्या क्या बनेगा, ओके। तो इसमें से LR ढूंढना है हमें, तो मोल रेशियो जाओगे, मोल रेशियो इसका निकालोगे, गिवन 1 mole अपॉन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना होना चाहिए 1/4, तो हो गया आपका 0.25, फिर 1/5 हो जाएगा। देखो अगर आप पूरा कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो देखो डिनोमीटर किसका बड़ा है, यहाँ पे डिनोमीटर इसका बड़ा है, तो O2 वुड बी द LR, दिस वुड बी द LR आपका, तो LR ये हो गया, तो LR ही डिटरमाइन करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनना है। तो हमें क्या बोला है कि कितना H2O कितना NO, ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, ऑल अमोनिया विल बी कंज्यूम्ड, ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, ये तो ठीक ही है क्योंकि LR है वो, तो ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, तो यही आंसर आ जाने के, यही आंसर आना चाहिए क्या 54 का, ओके यही आ जाएगा, क्योंकि ये दो भी आ सकते हैं बट इन लोग ने इसका स्टेटमेंट गलत दे दिया है, मतलब इन लोगों ने कुछ वैल्यू गलत किया है, वो भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। देखो ऑल अमोनिया विल नॉट बी गेट कंज्यूम क्योंकि कुछ तो कुछ बचेगा, क्योंकि LR विल कंप्लीटली गेट कंज्यूम, ये तो ठीक है, तो ऑल ऑक्सीजन विल गेट कंज्यूम ये स्टेटमेंट दिख रहा है, तो डायरेक्टली यही कर लो, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बट अभी के लिए टू वेरीफाई आर आंसर, क्योंकि हमारे पास टाइम है प्रैक्टिस के लिए, तो वेरीफाई कर लेते हो। देखो अगर 5 mole के साथ 5 mole ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव 4 mole ऑफ NO, तो 1/5 moles, सॉरी 1/5, तो ये मोल रेशियो हो गया, तो मोल रेशियो खाली LR डिटरमाइन करने के लिए, उसके बाद आप इसको भूल सकते हो, ओके। फिर 1 mole विल रिएक्ट टू फॉर्म दिस, x वुड बी 4/5, तो आ जाएगा x वुड बी 0.8 mole, 0.8 mole, ना कि 1 mole, इट विल फॉर्म 0.8 mole ऑफ NO। वैसे ही इसका भी कर लो, 5 mole ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 6 mole टू गिव 6 mole ऑफ H2O, फिर 1 mole ऑफ विल रिएक्ट विद x, तो x इज 6/5, तो इट विल बी 1.2 mole, 1.2 mole ऑफ वाटर, ये 1.2, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हमें पहले ही मिल गया था, तो वही आंसर हो जाएगा। 1 liter हार्ड वाटर कंटेन्स 12 mg Mg+2 मिली इक्वेलेंट्स ऑफ वॉशिंग सोडा, सॉरी मैंने गलत स्टेटमेंट ही थोड़ा मिक्स कर दिया, क्योंकि हमें इंग्लिश भूल गए हम लोग थोड़ा सा, द फुल स्टॉप है, तो पॉज लेना चाहिए। क्या बोला है, 1 liter ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 12 mg ऑफ Mg2+, ओके, मिली इक्वेलेंट ऑफ वॉशिंग सोडा रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस हार्डनेस इज, तो हार्डनेस ऑफ वाटर इट इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन चैप्टर, ओके, हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है, तो इन लोग ने बोला है कि देखो हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम लोग को क्या डालना है इसमें, वॉशिंग सोडा, पहले तो आपको वॉशिंग सोडा का ये आना चाहिए, Na2CO3 फॉर्मूला आना चाहिए, ओके, Mg+2 वुड रिएक्ट विद Na2CO3 वॉशिंग सोडा टू गिव आपका MgCO3+NA+, ओके, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। अभी बैलेंस कर लो, एक Mg इधर है, एक Mg इधर है, दो Na इधर है, तो दो Na इधर कर दो, फिर एक कार्बोनेट इधर, एक कार्बोनेट इधर, बैलेंस इक्वेशन, तो 1, 1, 1, 2 ऐसा कुछ मोल आपको मिल रहा है। तो इसने क्या बोला है, 12 mg ऑफ Mg2+, तो कितना मिलीग्राम्स ऑफ, ये एक मोल रिएक्ट कर रहा है एक के साथ, इसका मोल्स निकाल दो, इसका मोल्स क्या हो जाएगा आपका, मिली इक्वेलेंस पूछा है उसका, मिली इक्वेलेंस ऑफ वॉशिंग सोडा, हाउ मेनी मिली इक्वेलेंस ऑफ वॉशिंग सोडा वुड बी रिक्वायर्ड, ओके, पहले इसका मोल्स निकालो, मोल्स क्या होता है, मास 12 mg अपॉन मोलर मास इज आपका 24, Mg का 24 होता है अप्रॉक्सीमेटली, ओके, तो मोल निकालने से क्या हो जाएगा ना, क्योंकि इधर मिली इक्वेलेंस में दिया है, मतलब इक्वेलेंस की बात करते हैं हम लोग, इक्वेलेंस वाला लॉ यूज़ कर सकते हैं, लॉग इक्वेलेंस, तो हो जाएगा मिली इक्वेलेंट्स, मतलब मिली इक्वेलेंट्स नहीं, इक्वेलेंट्स ऑफ Mg वुड बी इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड, ओके, Na2CO3 रिक्वायर्ड। अब इक्वेलेंट ऑफ Mg कैसे हो जाएगा, Mg का इक्वेलेंट कितना है ना, ग्राम इक्वेलेंट्स का क्या फॉर्मूला बोला था, मास अपॉन इक्वेलेंट मास, इक्वेलेंट मास का क्या फॉर्मूला बोला था, इक्वेलेंट मास का फॉर्मूला था मोलर मास इंटू वैलेंस फैक्टर, ओके, मास कितना दिया है इसका, मास है इसका आपका दिया है 12 mg, ओके, ये वैलेंस फैक्टर क्या है, Mg का 2+, दो चार्ज है, तो आयंस का जितना चार्ज आता है वही उसका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा, मोलर मास आपको पता है 24, तो इससे ये पूरा कैंसिल, तो हो गया 10⁻³, मतलब 1 mEq, 1 mEq ऑफ Mg
तो इसका भी 1 मिली इक्विवेलेंट निकलेगा क्या, तो इसका भी हो जाएगा 1 मिली मतलब 10^-3 इक्विवेलेंट। ओके तो इसका मास हमें निकालना है क्या, इसका मास निकालना है हमें, वेट अ मिनट, मास क्यों निकालना है, क्योंकि इसने बोला है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ वॉशिंग सोडा विल बी रिक्वायर्ड, तो हमें क्या मिला 1 मिली इक्विवेलेंट ना, तो 1 मिली इक्विवेलेंट वुड बी आंसर, मिली इक्विवेलेंट तो आंसर में है ही, तो 1 वुड बी द करेक्ट आंसर, 1 इसके पीछे सबके पीछे है मिली इक्विवेलेंट्स, सबके पीछे मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि मतलब क्वेश्चन में पूछा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हार्डनेस ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ वॉशिंग सोडा रिक्वायर्ड इज 1, कितना मिली इक्विवेलेंट्स 1 मिली इक्विवेलेंट्स, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिक्विड बेंजीन दिस बर्न्स इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 एट HTP आर नीडेड टू कंप्लीट द कंबशन ऑफ 39 ग्राम ऑफ लिक्विड ऑफ बेंजीन। ओके 39 ग्राम को अगर कंप्लीटली कंबस्ट करना है तो हमें कितना लीटर्स ऑफ O2 चाहिए, तो पहले देखो 2 बेंजीन लिख देता हूँ मैं इधर डायरेक्टली प्लस 15 O2 देन X, मतलब इसके बारे में कुछ पूछा नहीं, तो ये 2 मोल रिएक्ट करते हैं विद 15 फॉर कंप्लीट कंबशन, तो इसने क्या बोला 39 ग्राम ऑफ लिक्विड, अभी बेंजीन का मोलर मास दिया 78, तो मोल्स कितना हो गया इसका 39 ग्राम्स अपॉन मोलर मास 78, तो हाफ मोल्स हो गया, तो अगर दो रिएक्ट कर रहे इसके साथ, दो रिएक्ट कर रहे 15 के साथ, तो हाफ मोल विल रिएक्ट विद एक्स, तो एक्स वुड भी हो जाएगा आपका, एक्स क्या हो जाएगा आपका 15 बाय ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 नीचे और ये 2 नीचे ऊपर आएगा, तो 15/4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा एक्स, इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए हमें, इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो 15/4 मोल्स हमें क्या पूछा है लीटर। ओके ये मोल्स हो गया, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लिख दो यहाँ पे, तो वॉल्यूम इन लीटर वुड बी 22.4 इंटू 15/4। ओके अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये आ गया 11.22, ये आ जाएगा 11.2 से डिवाइड करो तो 5.6 इंटू 15, तो 5.6 इंटू 15 करेंगे अगर, तो देखो अप्रॉक्सीमेट लगाओ, अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 75 आएगा क्या, अभी ये 74 तो कम है, 22 लीटर तो होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 75 लीटर आना चाहिए, तो 75 से थोड़ा ऊपर आएगा कि 0.6 भी है, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, डायरेक्टली पूरा मल्टीप्लाई मत करो। अ मोलर सॉल्यूशन, अ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर टू वॉल्यूम 10 लीटर, द नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, ओके 5 मोलर सॉल्यूशन को हम लोग ने डाइल्यूट कर दिया फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर्स, ओके नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी, नॉर्मैलिटी क्या होता है नंबर ऑफ, तो नॉर्मल कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, बट इस केस में हम लोग नॉर्मलिटी का दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला, ये डाइल्यूशन हो रहा है यहाँ पे 1 लीटर 5 नॉर्मल से 1 5 वाला सॉल्यूशन को 1 लीटर से 10 लीटर गए डाइल्यूशन वाला है, तो डाइल्यूशन के लिए हम लोग M1V1 इज इक्वल टू M2V2 निकाल सकते हैं, या तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 कर सकते हैं, ओके ये कर सकते हैं हम लोग। तो हमें पहले का नॉर्मलिटी पता है क्या, पहले का वॉल्यूम पता है हमें 1 लीटर, लास्ट का पता है 10 लीटर, लास्ट का नॉर्मलिटी निकाले, पहले का नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी इज एन इंटू एम, कैसे याद रखना है, नानी इज इक्वल टू एन टाइम्स मम्मी, मतलब नानी मम्मी की भी मम्मी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ फैक्टर, मम्मी जितनी स्ट्रिक्ट है उससे कुछ फैक्टर ज़्यादा है नानी स्ट्रिक्ट होगी, तो नानी इज इक्वल टू एन टाइम्स मम्मी, नानी तो मम्मी से 100 गुना है 10 गुना है, तो एन टाइम्स बोलना है, नानी इज इक्वल टू एन टाइम्स मम्मी, तो इसका N1 क्या हो जाएगा, N1 वुड बी एन टाइम्स इंटू M1, तो N क्या है अभी H2SO4 डाइप्रोटिक एसिड है, तो N वुड बी बैलेंसिंग फैक्टर 2 एंड M1 कितना है आपका 5, तो हो जाएगा 10, तो पहला 10 था, 1 लीटर इज इक्वल टू X इंटू 10 लीटर, तो X वुड बी 1, इट इज 1 नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया 57 का A। नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg इथिलीन, इथिलीन क्या होता है आपका C2H4, इट इज एन अल्कीन, इथिलीन अल्कीन, तो इसका ये लिख दो आप, बैलेंस रिएक्शन लिख दो पहले, ओके सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन लिखोगे तो आपको कुछ काम मिलेगा आगे, बैलेंस रिएक्शन क्या होगा C2H4 प्लस O2 विल गिव ब्ला 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 ब्ला, अगर आपको ये करना है तो करना ही पड़ेगा क्योंकि H2 बैलेंस करना पड़ेगा, पहले दो कार्बन है, दो कार्बन आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन है, 2 इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन कितने 4 2 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ओके तो 1 मोल रिएक्ट विद 3 मोल्स, तो इसके कितना मोल्स है 2.8, इसका मास कितना है आपका 2 कार्बन का 24 प्लस 4 आपका 28, तो ये हो जाएगा 8 kg है ना 10^3 28, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक जीरो यहाँ पे आ गया, तो हो गया 100 मोल्स, इसके 100 मोल्स इसके 300 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे क्या, ओके क्योंकि 1 मोल 3 के साथ रिएक्ट, 100 मोल्स 300 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो 300 मोल्स मास हमें ढूंढना है अपॉन मोलर मास कितना है इसका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक ऑक्सीजन, तो 32 हो जाएगा, तो 32 इंटू आपका हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एम 300, तो मास वुड बी 32 3 जा
थर्टी टू थ्री का कितना होता है 96 इंटू 00। अभी केजीज में आंसर पूछा है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो दो जीरो के साथ दो जीरो गया और एक पॉइंट आ जाएगा, तो 9.6 केजी। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमारे मोल कंसेप्ट के सारे पी वाई क्यूज खत्म होते हैं, ठीक है।